हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल फूड बुक बाय फरीदा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक कच्चे आलू और एक अंडे से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। तो जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और एक अंडा लिया है। आलू को हम छील लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू छील लिया मैंने। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें जो है हम इस आलू को ग्रेट करेंगे। तो जो मोटा वाला होता है साइज़, वहाँ से ग्रेट करना है और आलू के लंबे वाले पार्ट से जो है आप इसे ग्रेट कीजिएगा, छोटे वाले पार्ट साइड से नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो इसमें बहुत सारे स्टार्च होते हैं आलू में, और जब हम पानी डालेंगे तो ये बहुत थोड़ा काला काला पानी निकलेगा आलू का। तो आप दो तीन पानी से अच्छे से इसे धो लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू को मैंने अच्छे से धो लिया, और यहाँ पे आप लच्छे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है मोटे मोटे। तो मोटे वाले साइड से आप ग्रेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आलू को ग्रेट कर लिया है मैंने, और साफ से धो के इसे अच्छे से जो है निचोड़ निचोड़ के पानी इसका पूरा निकाल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक अंडा तोड़ के, साथ में डालेंगे तीखे के लिए मिर्च, जो भी मिर्च है आपके पास आप डाल सकते हैं, हरी लाल। और थोड़ा सा डालते हैं हम इसमें काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें फ्लेवर के लिए गरम मसाला पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अच्छे टेस्ट के लिए चाट मसाला पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे एकदम थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक ध्यान से डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नेक्स्ट हम इसमें डालते हैं बाइंडिंग के लिए एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो एक अंडा एक आलू लिया है इसलिए मैंने एक टेबलस्पून डाला है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो आप दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और दो टेबलस्पून गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे गैस पे देखिए, देखिए मैंने रखा है कढ़ाई, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, और तेल को अच्छे से कढ़ाई में चारों तरफ घुमा लेंगे। उसके बाद में जो हमने बैटर तैयार करके रखा था आलू और अंडे का, इसे डालेंगे, और डाल के अच्छे से हम इसे फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही रखिएगा। तो देखिए सारा बैटर मैंने डाल दिया, एक आलू एक अंडा है, तो इसलिए इसमें हमारा एक नाश्ता बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए आलू और अंडे का बैटर को डाल के अच्छे से फैला लेना है चम्मच की हेल्प से दबाते हुए। अब हम इसमें ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट इसे स्लो आंच पे पकने रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसके साइड टर्न करेंगे, और यहाँ भी इसे हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ढक के, ताकि आलू जो है अच्छे से हमारे गल जाए अंदर से। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन खोलते हैं, और ये हमारा बहुत टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए अब मैं आपको साइड टर्न करके दिखाती हूँ। देखिए यह हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। कलर देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन गोल्डन कलर आया है। तो दोनों साइड से अलटते पलटते हुए अच्छे से आप इसे पका लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ अंदर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से बन गल चुके हैं, और यह हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसे आप अपनी कोई भी फेवरेट चटनी सॉस के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त लगता है, और बनाना भी आसान है। बस 5 मिनट में बनके तैयार होने वाला नाश्ता है ये फ्रेंड्स। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।